तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, बाकी सभी को मेरा नमस्कार। आज हमें इंडिया गेट पर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं द टीवीएस अपाचे RR310 इन रेड कलर। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं टीवीएस अपाचे RR310 का। पीछे आप मेरे देख सकते हैं इंडिया गेट, और थोड़ी देर सबसे पहले इसके लुक्स के बारे में ध्यान देते हैं। तो इसके लुक्स के बारे में क्या कहूँ मैं कि टीवीएस ने कितने सोच समझ के और कितनी स्टाइलिश लुक दी है इस बाइक को कि कोई भी देखेगा। अभी मैं यहाँ पे इंडिया गेट पर हूँ, यहाँ पर भी लोग देख रहे हैं ऐसे इस बाइक को। सो और इस बाइक के बारे में जानेंगे, इस बाइक में क्या क्या खासियत है, इसका राइड ऑन रिव्यू। और इंडिया गेट पर जैसा मैंने अभी सोचा था कि अच्छा वेदर होगा, बट पोल्यूशन की वजह से सब खराब हो चुका है। सो आपको ले चलते हैं किसी और लोकेशन पर, और थोड़ी भूख भी लग रही है तो पेट पूजा जरूरी है। सो लेट्स मीट एट द नेक्स्ट लोकेशन। तो आ गए यहाँ पे सरवणा भवन सीपी में, एंड ब्रेकफास्ट के लिए आए यहाँ पे। सो ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बाइक के बारे में बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंजन फर्स्ट। सो इसका इंजन है 312 सीसी लिक्विड कूल DOHC इंजन। एंड यूनिक क्या है इसमें, जो TVS एंड BMW ने मिलकर बनाया है, ये तो यूनिक है ही, बट एक और चीज, ये रिवर्स इंक्लाइंड है। तो इससे फायदा क्या है, जो स्विंगा में इसका ये बड़ा हो गया है एंड व्हील बेस छोटा हो गया है, जिसकी वजह से बाइक में स्टेबिलिटी ज्यादा है। एंड जो इंजन की प्लेसमेंट है उससे आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा मिलता है, बिकॉज जो कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पर नीचे होता है काफी बाइक्स में, इस बाइक में आप देखेंगे नीचे बिल्कुल प्लेन है। तो ये इस बाइक में इंजन की प्लेसमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। एंड द नेक्स्ट थिंग, आपको लुक के बारे में बता चुका हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप अभी ऑन राइड रिव्यू में इसका देखना, और बाकी सिटिंग पोजीशन भी इस बाइक की बहुत अच्छी है, आप लॉन्ग राइड्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड अब आपको मैं इस बाइक का एक वॉक अराउंड वीडियो देता हूँ, सो लेट्स डू दैट। इस बाइक में इसका साइलेंसर दिखाता हूँ आपको सबसे पहले, एंड देन इसका एग्जॉस्ट नोट। सो हियर इट इज, द की, द इग्निशन स्विच, प्रेस द सेल्फ स्टार्ट स्विच। सो दिस इज द एग्जॉस्ट नोट। तो इतना कुछ खास नहीं है एग्जॉस्ट नोट, बट जब क्या कहें, बाइक अपनी हो जाती है तो यार ये आवाज भी अच्छी लगने लग जाती है, सो यू कैन बेयर विद इट। और बाकी इसका टेल लाइट अब मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द टेल लाइट। सो द नेक्स्ट बिग थिंग इज इट्स बाय LED हेडलाइट्स। सो दीज हेडलाइट्स आर सो प्रिटी, एंड दिस कम्स अप विद अपसाइड डाउन USB फोक्स, एंड पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन एडजस्टेबल, एंड द टायर्स आर मिशलिन पायलट स्ट्रीट 110 फ्रंट में, एंड पीछे 150 है द सेम मिशलिन पायलट स्ट्रीट। तो इन टायर्स की भी ग्रिप बहुत अच्छी है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे कितना इसमें स्पेस यहाँ पे बीच में खाली है। सो ये पॉसिबल इसलिए हो पाया है कि इसका इंजन रिवर्स इंक्लाइंड है। एंड बाकी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, वाइब्रेशन हल्की बहुत है इस पार्ट में, बट बहुत ज्यादा नहीं है कि यू कैन इजिली राइड इट। एंड मिरर्स में भी इसके बहुत अच्छा व्यू आ जाता है। तो बाइक की मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है एंड बहुत कुछ बता दिया है। अब आप इसका राइड ऑन रिव्यू देखिए, मैं तब तक ब्रेकफास्ट करता हूँ, एंड आपको फिर इसके बाद मिलेंगे एक नई लोकेशन पर, और वहां पे आपको इसका फाइनल वर्डिक्ट बताएंगे कि आपको बाइक लेनी चाहिए कि नहीं इस प्राइस में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड और पूरी वीडियो देखना। अब बाइक का कलर देखो, लाल कितना अच्छा लग रहा है, और इस साइड में सब्सक्राइब का बटन भी, वो भी लाल है, तो दबाओ तो दबाओ दबाओ। सो स्टे ट्यून्ड, मैं ब्रेकफास्ट करके आता हूँ एंड नई लोकेशन में मिलते हैं, बाय बाय। सो अब बाइक पर बैठ चुके हैं, एंड सबसे पहली चीज आपको बताऊँ इस बाइक में खासियत क्या है कि अगर आप इसको थ्रॉटल देकर सेल्फ लेंगे तो ये स्टार्ट ही नहीं होगी, बट अगर आप सिंगल टच से इसको सेल्फ करेंगे इट इज ऑल योर्स। लेट्स राइड दिस मशीन एंड आपको बताते हैं कि चलाने में कैसी है एंड इसके क्या रिव्यूज है और आपको लेनी चाहिए कि नहीं। लेट्स गो। बाइक चलाने में बहुत ही सही है,
एंड ब्रेकिंग इज एक्चुअली नाइस. मैंने सिर्फ अभी फ्रंट ब्रेक यूज किए और बहुत ही अच्छे से लगते हैं फ्रंट ब्रेक. एंड लीन आप देख सकते हैं कि मैं लीन कर रहा हूँ इस पर, और भाई खुद लीन करने को तैयार है, मतलब जितना मर्जी इसको लीन कर लें, लीन करने को तैयार है बिकॉज ऑफ द रिवर्स इंक्लाइंड इंजन. आपको इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो ये टीवीएस की तरफ से एक खास बात है. एंड अब मैं आपको थोड़ा इसके ओडोमीटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बता दूं. तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसमें बिल्ट इन हजार्डस लाइट है, तो चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं इसके. एंड बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, मतलब गियर शिफ्ट इंडिकेटर तो है इसमें, और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको. जैसे यहाँ पे रेंज आपको मिल गई, कितनी आपके ये IMI माइलेज कितनी दे रही है अभी 28, तो सिटी में आप इतना एक्सपेक्ट कीजिए 27-28 देगी ये. हाईवे पर 34-35. एंड फ्यूल ट्रिप हो गया ये आपका, दिस इज ट्रिप टू, ट्रिप ए, दिस द हाईएस्ट स्पीड अचीव्ड ऑन दिस बाइक 167. तो 170 तक जाती है बाइक आराम से. सो बहुत सारी चीज़ें, अब ग्रीन लाइट हो चुकी है तो इसको चलाते हैं. एंड डुअल चैनल ABS होने की वजह से ब्रेक में बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ब्रेकिंग में. एंड ब्रेक तो अच्छे हैं ही इसके, तो यू कैन एनी टाइम पुट दी ब्रेक. यहाँ मुझे लेफ्ट जाना था. तो बात हो गई इसके पावर की और चलाने में सेटिंग पोजीशन की बात कर सकते हैं. तो या यू कैन ईजिली गो ऑन लॉन्ग राइड इन दिस बाइक और आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे झुकने वाली पोजीशन नहीं है इस बाइक की. तो ये रिव्यू है, अब आपको बताते हैं इसकी फाइनल वर्डिक्ट और क्या इसका कॉस्ट वगैरह ये सब है. तो मैंने आपको बता दिया बाइक के लुक के बारे में, बाइक की इंजन के बारे में, एंड मैंने आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दिया, बैक लाइट, LED लाइट, फ्रंट, एंड ओवरऑल बाइक इज वेरी गुड, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, इस बाइक को आपको लेना चाहिए कि नहीं. तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये बाइक बहुत अच्छी है, तब तक जब तक आप इसको और किसी बाइक से इस सेगमेंट की कंपेयर नहीं करते. As soon you start comparing this bike with other bikes like the RC390 or the Ninja 300, उस मामले में फिर ये बाइक पीछे हो जाती है. RC390 इसी प्राइस की है, 10-15 हजार ज्यादा है इससे. दिस बाइक कॉस्ट 2.55 लाख ऑन रोड एंड RC390 अप्रोक्स 2.70 इस प्राइस की है. तो वो बाइक इससे ज्यादा पावरफुल है, आप उससे इस टॉप स्पीड RC390 में इससे ज्यादा कर सकते हैं, ब्रेकिंग उस बाइक में इससे ज्यादा अच्छी है, बट द वाइब्रेशन वो इस बाइक में RC390 से कम है. इस बाइक की सिटिंग पोजीशन RC390 से बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसमें आप लॉन्ग टूरिंग कर सकते हैं. सो दिस इज अ स्पोर्ट्स टूरर. अगर आप लुक्स के लिए बेस्ट बाइक चाहिए, स्पोर्ट्स टूरर चाहिए, आपको लॉन्ग राइड्स पे जाना है, सो दिस बाइक इज फॉर यू. अगर आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव पावर चाहिए, आपको रेसिंग करनी है या बहुत ज्यादा पावर चाहिए आपको, तब आपके लिए RC390 है. तो अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज देखिए, उस हिसाब से फिर देखिए कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए. तो इस बाइक को थम्स अप है अगर आप 2.55 लाख खर्च करना चाहते हैं एक बिल्कुल ही अलग बाइक में, जो रोड पे बहुत कम ही देखने को मिलेगी आपको, और जब आपको लोग देखेंगे इस बाइक पे तो जरूर मुड़कर देखेंगे वापस, क्योंकि इस बाइक की लुक्स ही ऐसी है. द रेड कलर, इसमें एक और कलर आता है मैट ब्लैक, वो भी बहुत ही अच्छा कलर है. सो ओवरऑल दिस बाइक इज वेरी गुड, सारे फीचर्स इसके बहुत अच्छे हैं, अभी तक कुछ ऐसी एज सच प्रॉब्लम नहीं आई है. और मैं आपको इसका ये भी बता दूं, फर्स्ट सर्विस इस बाइक की हो चुकी है, तो इसमें मोटर रिकमेंडेड है कंपनी की तरफ से. सो द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सर्विस वॉज 1200 समथिंग. सो फर्स्ट सर्विस फ्री सर्विस थी, 1200 इंजन ऑयल मिला के इट इज गुड अमाउंट, मतलब कम ही लगा है. तो आप इस बाइक को ले सकते हैं, आप 2.55 लाख रुपीज खर्च कीजिए, एक फ्रेश बाइक, न्यू टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी. हाँ कुछ प्रॉब्लम हर बाइक में होती है, बट यार अपने हिसाब से सबकी प्रायोरिटीज होती है.
बट पिलियन के लिए बाइक बेकार है। अगर आपको पिलियन बैठाना है साथ में, ये RC390 सारी बाइक्स बेकार है फिर तो। तो पिलियन के लिए सोच के मत लीजिएगा। एंड अगर आप इसको निंजा 300 से कंपेयर करते हैं, सो दैट इज 1 लाख अबव दिस बाइक। सो वो ट्विन पैरेलल डबल सिलेंडर इंजन है, तो उसकी कुछ बात ही अलग है। उसको हम इससे कंपेयर अभी नहीं करेंगे। तो द RC390 एंड द RR310, इन दोनों में से दोनों ही बाइक अच्छी है। अग्रेसिव पावर यू वॉन्ट, देन गो फॉर RC390। यू वॉन्ट मोर स्टाइलिंग, बेटर सिटिंग पोजिशन एंड अ फ्रेश बाइक विद न्यू टेक्नोलॉजी, देन गो फॉर द RR310। सो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा इस बाइक का। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी वीडियो। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और भी ऐसे वीडियोज रिव्यूज आते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।